हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल ब्रेन डिजिटल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे हम अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें व्हाट्सएप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर से हम ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सी भी ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। मैं व्हाट्सएप डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से ही। तो मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे आईडी बनाने के लिए। यहाँ मेन स्क्रीन खुलते ही एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फ़ोन नंबर मांगेगा, मैं सिंपल यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप कर दूँगा और फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ओके करना होता है क्योंकि हमारे पे ओटीपी आता है जिससे हमारा फ़ोन वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली ओके करना है। अगर फ़ोन में जिस नंबर आपने दिया है, जो नंबर अगर वो फ़ोन में डला हुआ है उसकी सिम, तो अपने आप ये डिजिट अपने आप लिख के अपने आप वेरीफाई कर देगा, नहीं आपको कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप मीडिया को एक्सेस करा है तो यहाँ पे हम कंटिन्यू दबाएंगे। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स भी एक्सेस करता है तो सिंपली यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहाँ बैकअप फाउंड रिस्टोर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम स्कीप के बटन पे क्लिक करेंगे और स्कीप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो आ जाती है, आपको अपना नेम टाइप करना होता है, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। फिर थोड़ा टाइम लगता है इसमें और ये हमारा व्हाट्सएप तैयार हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कौन से कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं और उनका व्हाट्सएप भी है, तो वो कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट्सएप पे आईडी कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई हो तो अनलाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।